हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर वेल, मज़े में एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडियो का आप लोग का बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिएक्शन वीडियोस जो है मैंने रिसेंटली बनाई हैं। अगर एक पोल करवा लिया जाए और उसमें देखा जाए कि भाई इस सीज़न के सबसे अच्छे गाने कोक स्टूडियो के कौन से रहे, तो आई थिंक मोर और लेस उनका ऑर्डर यही होगा जो मैं बताने वाला हूँ। इस सीज़न में कोक स्टूडियो का आई थिंक जो बेस्ट गाना आया था वो आई थिंक वो 2 AM था, और 2 AM के बाद आई थिंक जो अगला बेस्ट गाना वो ओयारा है, और उसके बाद आई थिंक आई आई टेक्स द थर्ड प्लेस इन माई ओपिनियन। आई आई के बाद मगरूला इज अनदर बैंगर, बहुत अच्छा है गाना मुझे लगा। इसके बाद चौथे नंबर पे अगर मैं आप बोलें किसी को रेट करूं गाने को, तो मैं चल चलिए को करूंगा। पांचवें नंबर पे जो है ब्लॉकबस्टर, और फिर हरकले है। आई थिंक ये सारे गाने बहुत अच्छे थे, एवरी सॉन्ग हैज बीन रियली यूनिक। लास्ट सीजन बहुत ही बड़ा हिट था, और आई थिंक एक इतना बड़ा हिट सीजन देने के बाद, पसोड़ी जैसा गाना रिलीज करने के बाद जो कि ग्लोबल हिट रहा है, आई थिंक इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एनी प्लेटफॉर्म कि भाई वो आके उसको टॉप करें, बट आई थिंक ये सीजन बहुत अच्छा आ रहा है। और बहुत ही इसमें कल्चर के ऊपर फोकस किया गया है, ज्यादा से ज्यादा नैरेटिव के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था, ज्यादा से ज्यादा एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, वेदर इट्स वीडियो डायरेक्शन और जो उनके गाने थे, हर एक गाने की एक कहानी थी, एक बैक स्टोरी थी कैसे वो बनाया गया। आई थिंक इस चीज में कोक स्टूडियो की जो मैनेजमेंट है वो काफी सक्सेसफुल रही है। एक मिसकंसेप्शन जो है आई थिंक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लास्ट कुछ लोगों को ये मुझे लग रहा है कि ये गलत फहमी उनको हो रही है कि भाई लास्ट जो गाना आया है कोक स्टूडियो का विच वॉज ब्लॉक बस्टर, वो गाना कोक स्टूडियो ने जल्दी रिलीज कर दिया है, और कोई दूसरा गाना था जो कि बाद में रिलीज होना था, और क्योंकि वो लीक हो गया था कोक स्टूडियो का जो ब्लॉकबस्टर गाना है इसको पहला रिलीज कर दिया गया। तो मैंने इस पे काफी सर्च किया है, और जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है ऐसी आई डोंट थिंक इसकी कोई बेसिस है। कहा ये जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो जो ट्रक वाली वीडियो जो थी तो वो एक डिफरेंट गाना है, और जो रिलीज किया गया है ब्लॉकबस्टर जो गाना रिलीज किया वो डिफरेंट है। मगर अगर आप जाके उसकी स्निपेट चेक करेंगे जिसमें वो ट्रक आ रहा है और म्यूजिक बज रहा है, सो इट इज द सेम म्यूजिक एज ब्लॉकबस्टर, वो सेम ही म्यूजिक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोक स्टूडियो ने जो है वो कोई पैटर्न तोड़ा है और शायद कोई गाना जल्दी रिलीज कर दिया है। आई थिंक ब्लॉकबस्टर जो गाना है वो अपने टाइम पे ही रिलीज किया गया है। बाकी जहां तक हम ये बात कर लें कि इस सीजन के खत्म होने की, तो कोक स्टूडियो जो पाकिस्तान की जो प्लेटफॉर्म है, जो भी इनके पेजेस हैं, इन्होंने लास्ट वीक के बाद कोई भी नया गाने का स्निपेट जो है वो नहीं अपलोड किया है। आज जो वो संडे का दिन है, यूजुअली सैटरडे संडे को इनके गाने रिलीज हो जाते हैं। इनके जो गाने रिलीज करने का जो स्लॉट है जो कि यूजुअली 8 बजे या 9 बजे होता है, तो वो ऑब्वियसली निकल चुका हुआ है। कोई स्निपेट इस हफ्ते में नए गाने का रिलीज नहीं किया गया। अगर आप जाके कोक स्टूडियो का पेज देखें या जुल्फी का पेज देखें, तो वो वहां पे जो है वो पुराने गानों की जो है वो BTS शेयर कर रहे हैं एक तरह से, वो गाने किस तरह बने थे, और वो उन चीज़ों पे ज़्यादा बात हो रही है। सो दिस कुड बी एन एंड, ये हो सकता है कि कोक स्टूडियो का जो है सीजन यहाँ पे ख़त्म हो गया हो। मे बी ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने जो है एक थोड़ा सा गैप ले रहे हैं बीच में, फिर दोबारा जो है कोक स्टूडियो का सीज़न जो है कंटिन्यू करेंगे। मगर ऐसी कोई भी जो है वो अपडेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोक स्टूडियो की तरफ से नहीं शेयर की गई। इट कुड बी अ टेम्परेरी ब्रेक, इट कुड बी कि सीज़न ख़त्म हो गया है, और मे बी शायद एक गैप के बाद ये लोग दोबारा जो है सीज़न को स्टार्ट करें। फिंगर्स क्रॉस्ड, कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली नहीं है कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से, बट आई एम होपिंग कि भाई और गाने भी रिलीज करें। और व्हाट डू थिंक, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोगों को क्या लगता है कि सीजन खत्म हो गया है? अगर आप लोग के पास कोई इनसाइट है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और उसको डिस्कस करें, और गानों को रैंक भी करें, आप लोग को कैसा लगा ये सीजन, और आप लोग का फेवरेट गाना कौन सा है। आप लोग की अगर अपनी थ्योरी है तो उसको भी शेयर करें हमारे साथ। डू लेट मी नो एनी अदर काइंड ऑफ रिएक्शन वीडियोज यू वॉन्ट मी टू मेक, और यहाँ आप चाहते हैं कि मैं दूसरे किसी गानों पर रिएक्ट करूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक गुड केयर योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।